एल डोराडो की कहानी जारी रखने के लिए मुझे एक नया मोड मिल गया। तुम्हें क्या लगा रोकी भाई की कहानी का थी एंड हो गया? कहानी का थी एंड नहीं, अभी तो कहानी शुरू ही हुई है, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूं। रोकी भाई, सीन्स 1951। मैं रमिका सेन अब मैं प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देती हूँ। जानता हूँ दिन खराब रहा, अब मुझे फिर से शुरू करना होगा। मुझे पता है कि तुम अभी जिंदा हो, कहाँ हो तुम? अमेरिका, मेरा सारा गोल्ड अमेरिका लेके आ गया हूँ, और अब यही से मैं दुनिया पे राज करूंगा और तुम मुझे छू भी नहीं सकोगी। मुझे तुम्हारे साथ आना है। खाना, पानी, गाड़ी, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए सारा इंतजाम करवा दूंगा तुम्हारे सफर के लिए। तुम जब चाहो जहां चाहो जा सकती हो। अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था। दुनिया मौत और दर्द की चीखों के बीच निशब्द खड़ा था, एक भरोसे का पहाड़। खुदा का हुक्म और एक माँ की दुआ है कि हाथों की लकीरों को भी रुक सककर रोकने से भी नहीं रुकेगी तुम्हारी ये सल्तनत। फरसान नील के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म KGF चैप्टर 3, जो कि इंडियन सिनेमा की एक बहुत ही बड़ी फिल्म होने वाली है, रॉकिंग स्टार यश ने अपने रोल से सारे लोगों का दिल जीत लिया है। KGF चैप्टर 2, जो कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई, और दोबारा से रॉकिंग स्टार यश KGF चैप्टर 3 लाकर एक महा ब्लॉकबस्टर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, फरसान नील सलार 2 मूवी का काम खत्म करके ही इस फिल्म में काम शुरू कर देंगे। KGF चैप्टर 3 स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टर फरसान नील ने कंप्लीट कर ली है। रूमर्स हैं कि फरसान नील एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां बड़े बड़े सुपरस्टार हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि जूनियर NTR, प्रभास, रॉकिंग स्टार यश, अल्लू अर्जुन और रामचरण जैसे दिग्गज कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही लोग भी KGF चैप्टर 3 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और बहुत ही जल्दी इस फिल्म पर काम शुरू होने वाला है। बजट को लेकर बात करें तो लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच फिल्म को बनाया जाएगा, जहां भरपूर एक्शन, बेहतरीन VFX और बड़े बड़े शूटिंग सेट हमें देखने को मिलेंगे। वैसे दोस्तों KGF चैप्टर 3 के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।